तो दोस्तों आज हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, लेकिन पूरे मजे के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, बोर नहीं होने वाले। तो गाइज, क्लाउड सर्विस अच्छी है, मतलब अपना डाटा इंटरनेट पर सुरक्षित मतलब सेव करना सही है, या ऐसी मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव में भल लो भैया क्या सुरक्षित है ना। दोनों के मैंने आपको फायदे नुकसान बताए हैं, क्या अंतर है दोनों में ये बताया, लोकल में और क्लाउड बेस्ड सर्विस में, है ना, कहाँ पर ज़्यादा फायदा है, मैं क्या मानता हूँ, और मैंने कुछ क्लाउड सर्विस भी आपको बताई है, कुछ लोकल के भी ऑप्शंस बताए। मतलब वीडियो भैया भरपूर है, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, आपका डाटा आप अच्छी जगह सुरक्षित करोगे और आपके पास स्टोरेज बचेगी आपकी। वीडियो बहुत ज्ञान की है, ज्ञानवर्धक है, मजेदार भी है, तो वीडियो को एंड तक देखना भैया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लाइक कर देना भैया, वैसे तो बीच बीच में आप लाइक कर ही दोगे, आपको वीडियो मस्त लगेगी, तो अभी बोल रहा हूँ पहले ही कर दो यार, बाद में क्यों करना है, जल्दी से लाइक दबाओ और सब्सक्राइब कर लो भैया चैनल को, ऐसी ही वीडियोज यहाँ पर आती रहेंगी। फिर से बोल रहा हूँ एंड तक देखना, सब कुछ सीख कर जाना भैया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये लोकली डेटा स्टोर करना और ये क्लाउड पे डेटा स्टोर करना मतलब क्या होता है। तो गाइज, लोकल क्या होता है, लोकल भैया लोकल होता है, आपके पास सब कुछ है ना, आप उसमें डेटा स्टोर कर रहे हो, आपके पास पोर्टेबल है वो चीज, एक चिप है आपके पास, चाहे मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, SSD है, हार्ड डिस्क है, कुछ भी, आप उसमें कभी भी अपना डाटा एक्सेस कर सकते हो, कभी भी, है ना, क्योंकि वो आप ही के पास है आपका डाटा, किसी भी वो थर्ड पार्टी सर्वर पर स्टोर नहीं है, वो आप ही के एक गैजेट है, उसके अंदर है, आप ऐसा समझो। तो ये होता है लोकली डेटा स्टोर करना, बड़ा अपना अपना सा फील आता है इसमें दोस्तों। अब एक और होता है दोस्तों, क्लाउड पर डाटा स्टोर करना। अब क्लाउड का मतलब क्या होता है, क्लाउड होता है गाइज इंटरनेट पर आप अपना डाटा स्टोर कर रहे हो, एक सर्वर होता है ना, जो आपके आप अपना जैसे ये चलाते हो ड्राइव ये सब, तो इन सब पे एक स्टोरेज होती है, आपको अकाउंट के साथ मिलती है, तो उस पर जो आप अपना डाटा स्टोर कर रहे हो, वो एक सर्वर पर डाटा स्टोर कर रहे हो, वो एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है। अब वो डाटा है तो आप ही के फोन में है, तो आप ही के अकाउंट का साथ, इसमें भी थोड़ा सा अपना अपना फील आता है, लेकिन थोड़ा पराया जब हो जाता है, जब ये हमारे काम करता है जियो के साथ या वाईफाई के साथ, मतलब बिना इंटरनेट के आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, है ना। अब कभी कभी क्या होता है भैया, भारत सरकार या कोई भी सरकार, किसी भी आप देश में हो, कभी कभी गवर्नमेंट जो इंटरनेट बंद कर देती है कुछ रीजंस के कारण, तो अब उस समय मान लीजिए आपको चाहिए भैया, आप अब नेट चला गया, अब आप बोर हो रहे हो, अब आप सोचते हो कि हम जो है ना मूवी वूवी देख लेंगे कोई, है ना, या आपने कोई जो एल्बम वेल्बम है ऐसा कुछ, मतलब अपना डाटा था जो आपने क्लाउड पे डाल दिया, अब आपका मन कर रहा है उसको वापस लेने का, लेकिन अब तो वो हो ही नहीं सकता। या अगर आपने भैया सारा डाटा अपना क्लाउड पे डाल रखा है, तो फिर तो आप उसको बिना इंटरनेट के ले ही नहीं सकते। तो यही एक जो है डिसएडवांटेज होता है क्लाउड का, और बाकी क्लाउड का डाटा बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। मैंने नुकसान तो बता दिया, फायदा बताता हूँ, लाइफ टाइम आपका उस पर रहेगा ये, है ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा, कभी भी डिलीट होने का झंझट नहीं रहेगा, है ना, आपको ऐसा, क्योंकि अब जो चिप में आप स्टोर करोगे, हो सकता है भैया टूट गई वो, कोई बैठ गया उसके ऊपर, है ना, या आपने तोड़ मोड़ दी भैया उसको, तो वो टूटने उठने का या गुम गई छोटी सी होती है, तो ये सब खतरा रहता है, सिक्योरिटी का भी इशू रहता है इसमें। लेकिन क्लाउड में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, जो ये सिक्योर क्लाउड बेस्ड सर्विस जैसे ड्राइव हो गया, ये पॉपुलर है, तो इन सब में आप डाटा स्टोर कर रखो, हमेशा सुरक्षित रहेगा। आप कभी भी लॉगिन करो अपने अकाउंट से, बस आपको अपना लॉगिन, अपना ID पासवर्ड याद रखना, कभी भी लॉगिन करो, आप इजीली एक्सेस कर पाओगे उसको। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे इसके फायदे भी, और ज़्यादा स्टोरेज आपको मिल जाता है ऑनलाइन, लेकिन आजकल तो सारे पेड ही हो रहे हैं, फ्री में तो नहीं दे रहा कोई कुछ भी। तो ये कुल मिलाकर होता है क्लाउड और लोकल डेटा स्टोर करना। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, कहाँ स्टोर करना चाहिए। गाइस, पहले तो आप मेरे को वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ आपका क्या मानना है, उससे पहले हम आगे बढ़े। उम्मीद है आपने पॉज कर दी होगी वीडियो और आप कमेंट कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो मेरी बेइज्जती हो रही है, तो आपको कमेंट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि लोकल डेटा स्टोर करना एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है ना, मुझे ऐसा लगता है जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है, बहुत ज़्यादा, वो आपको लोकल ही स्टोर करके रखना चाहिए, है ना, क्योंकि गाइज आपको उसकी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं होता, वैसे तो उसका भी भरोसा नहीं होता, वो जो आप अपने चिप में जो मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में, तो भरोसा आजकल किसी का भी नहीं होता दोस्तों, वक्त का भी नहीं होता भरोसा, तो यार भरोसा तो आप किसी पर कर नहीं सकते। लेकिन हाँ,
ज्यादा आप जिस पे भरोसा कर सकते हो आपका जो लोकल डेटा स्टोर है उस पे कर सकते हो, है ना। तो आपको उसको स्टोर करके रखना चाहिए लोकल, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ज्यादा महंगा नहीं आता गाइस, आप एक मेमोरी कार्ड खरीद सकते हो 128, या एक टीबी का मेमोरी कार्ड खरीद लो, 1-1.5-2-3 हजार में आ जाएगा बस, है ना। एक बार खरीदना है 1 TB में, पता कितना होता है 1 TB, बहुत ज्यादा होता है 1000 GB, है ना। तो कितना ज्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हो अपने पूरी जिंदगी भर का, अगर आपका पूरा डेटा कम रहता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल रहता है, तो आप बस 2-3 हजार रुपये एक बार के लिए खर्च करो, वो मस्त चलेगा आपका मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, आप उसको हमेशा डेटा स्टोर करके रखो, है ना। अब यही अगर आप 1 TB क्लाउड पर ढूंढने जाओगे तो कुछ तो फ्री दे देते हैं, लेकिन अब कुछ वाले जो होते हैं वो होते हैं गैर भैया पराए होते हैं, वो उन पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अपने वाले होते हैं वो तो 15 GB देते हैं भैया जैसे ड्राइव, ठीक है। तो ये आप कनेक्शन समझो दोस्तों, तो इसलिए खर्च आपको वहां भी करना है, खर्च आपको वहां भी करना है। हालांकि ऑनलाइन थोड़ा खर्च कम होता है ना ड्राइव पे, लेकिन कौन खर्च करे भैया, ऑनलाइन में खर्च करने में भरोसा नहीं रखते दोस्तों हम। हम भरोसा रखते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम यहाँ पर मेमोरी कार्ड अपना खरीद सकते हैं, है ना, उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उस पर विश्वास तो कर ही सकते हैं, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उस पर विश्वास कर सकते हो। तो लोकल डेटा स्टोर करना बहुत अच्छा माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, आप मानते हो क्या ये बताइएगा, है ना। अब लोग जो क्लाउड पर भी डेटा बिल्कुल स्टोर किया जाता है भाई, है ना, आप क्लाउड पर भी डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन वही बात यहाँ पर आ जाती है, अगर आपके पास हर टाइम इंटरनेट अवेलेबल रहता है, मैं दोनों कंडीशंस बता रहा हूँ आपको, लोकल का मैंने बता दिया, आप क्लाउड का बता रहा हूँ। अगर आपके पास लाइफ टाइम हमेशा इंटरनेट रहता है, आपके पास वाईफाई है, बहुत सारी GB है आपके पास, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती भाई, भरोसा है आपको अपने वाईफाई पे, तो आप क्लाउड पे स्टोर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया रहोगे आप, है ना। तो दोनों भी कंडीशन मैंने आपको बता दी। मेरा क्या मानना है पर्सनली, मैं तो लोकल डेटा स्टोर करने में मतलब रखता हूँ। मेरे पास है तो छोटी छोटी GB की पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड, 32 GB का है, उसमें मैंने सारा भरा हुआ है ना, मेरा 64 GB फोन पूरा भर गया है, तो 32 GB मेरा भर गया है, और मेरे पास 8-8 GB के भी हैं, तो वो भी भरे हुए, 32 GB की पेन ड्राइव भरी हुई है मेरी, है ना। तो मेरे पास जगह बच नहीं रही, तो मैं क्या करूँगा मेरे को बताओ, है ना। तो मैं अब क्या करूँगा, या तो मैं कुछ नया खरीद लूंगा, है ना, या लैपटॉप में डाल लूंगा भैया। तो ये ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप पे अगर आपके पास है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि उसमें तो होता ही बहुत ज्यादा है। अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है फिर तो 1 TB की होगी, अगर लेटेस्ट वाला है ना, ऊपर से SSD भी लगी हुई है, फिर 512 की तो आजकल लेते ही है लोग मिनिमम, तो वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे, आप इधर उधर देखोगे आपको स्टोरेज डिवाइस बहुत सारे मिल जाएंगे आपके अपने ही। तो आप जितना हो सके ना उतना कोशिश करो लोकल डेटा स्टोर करने की और ढूंढने की, कि आपके पास अवेलेबल है चीज। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल क्लाउड पर कर सकते हो, उसको भी आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, है ना, कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, बस इंटरनेट होना चाहिए और फास्ट इंटरनेट होना चाहिए। अब लोकल वाले में आपका टाइम भी बचता है, सीधा भैया फोन में डाला कॉपी कर दिया, वो जल्दी कॉपी हो जाता है, लेकिन नेट अगर स्लो चल रहा है, कभी बरसात वरसात हो गई भैया, वाईफाई में दिक्कत आ गई, तो वो स्लो होता है ना। तो दोनों गाइज अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्यों स्टोरेज भी क्यों ना डिजिटल हो, फिजिकली सब कुछ खत्म कर रहे हैं भैया ये, है ना, सब फिजिकल खत्म हुआ जा रहा है, सब इंटरनेट पर ही जा रहा है। तो ये देखते तो वैसे एक तरह से अच्छा भी है। अब गाइज हर चीज़ का एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो दोनों मैंने आपको बता दिए। अब आपके लिए जो सूटेबल है, जो आपकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, वो आप उसके साथ जाओ, मेरा क्या मानना है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैंने लोकल के लिए बता दिया, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड खरीद सकते हो, अब मैं क्लाउड के लिए कुछ बता देता हूँ जहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो डाटा, तीन बताऊंगा, है ना, बाकी 2-3 एक्स्ट्रा बता दूंगा आई तो भैया। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर ड्राइव ही है, गूगल ड्राइव की एक ट्रिक बताता हूँ, धीरे से आपको सुनो। गूगल ड्राइव में क्या होता है कि आपको एक अकाउंट में मिलती है 15 GB। अब भैया इतने तो सबके फोन में 2-3 अकाउंट तो होते ही है, मैं भी आपको दिखाऊंगा मेरा 3 अकाउंट पड़े हुए है ना, सब एक जीमेल आईडी तो रखते नहीं है, अगर रखते भी हो तो भले लो भैया एक दो, और आप 15-15 GB आपको मिलती जाएगी, और जीमेल अकाउंट तो जितने मर्जी बना सकते हो आप, है ना। तो अपने जीमेल अकाउंट बनाते जाओ और अपनी 15-15 GB बढ़ाते जाओ, एक इतनी अच्छी बात बताई मैंने आपको, लाइक करो इसी बात पे। तो इस तरह से आप ड्राइव की स्टोरेज बढ़ा सकते हो और अपना जो डाटा है उस पर स्टोर करके रख सकते हो, कम से कम 60 GB तो बढ़ा ही सकते हो, 3-4 ईमेल आईडी तो होती है यार सब में, तो 60 GB बहुत ज़्यादा होती है। तो अपना ड्राइव पे मस्त अपना जो है डाटा स्टोर करके रख सकते हो, 15 GB आपको फ्री में मिलती है, नहीं तो आप खरीद भी सकते हो। अगला यहाँ पर हम बात करें वन ड्राइव। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, जो कि बहुत ही कंजूस है भैया, 5 GB देता है बस आपको। तो अगर आपका छोटा मोटा डाटा है ना, थोड़ी बहुत फोटोज वोटोज अगर आपको स्टोर करनी है, तो वन ड्राइव पे आप कर सकते हो, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अगर आपके पास दोनों है, गूगल अकाउंट भी माइक्रोसॉफ्ट भी, तो आप इन सबका यूज करो, सब में अपना डाटा स्टोर करो, एक ही जगह मत करना, एक ही जगह तो आएगा नहीं। तो इन आप ऐसा कर सकते हो, जो वन ड्राइव है उसमें अपनी फोटोज वगैरह स्टोर कर सकते हो, ऑडियोज वगैरह स्टोर कर सकते हो, क्योंकि कम GB लेती है। जो ज्यादा चीजें, जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह, वो आप ड्राइव में सेव कर सकते हो।
अब तीसरा बताऊंगा उसमें भैया सब भर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी, अभी तक तो, आगे पेड़ हो जाए तो पता नहीं। टेलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम में आप अपना एक चैनल बनाओ भैया, जितना मर्जी GB अपलोड करो, डाटा कोई लिमिट है ही नहीं आज तक। TB में अपलोड करो, कोई लिमिट नहीं है ना। बहुत ज़्यादा बेहतरीन है टेलीग्राम, क्योंकि वो क्लाउड पर है, जो सारे उसके मैसेज डाउनलोड होते हैं, जो भी आप चैट करते हो सब क्लाउड पर ही होते हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपका स्टोरेज जो है यहाँ पर अनलिमिटेड है, तो आप अपना टेलीग्राम पर चैनल बनाओ, उसमें फाइल्स को अच्छे से व्यवस्थित करके अपना जो डाटा है उसको अपलोड करो। लेकिन अभी कब तक फ्री है इसका कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब और इधर उधर की बता देता हूँ, ड्रॉप बॉक्स आता है, ड्रॉप बॉक्स भी अच्छा है, उसमें आपको शायद 100 GB मिलती है फ्री पे, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे आते हैं गाइज, आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको बोलते हैं अनलिमिटेड देते हैं, भैया वो देते नहीं है, कुछ फेक भी होते हैं, कुछ होते भी हैं रियल, लेकिन आप ऐसे ही कहीं भी तो अपना डाटा स्टोर नहीं कर सकते ना। तो ये जो जानी मानी थी यही मैंने आपको बताई, जिससे आपकी सिक्योरिटी को भी इशू ना हो ज़्यादा, और आप यहाँ पर अपना डाटा भी स्टोर कर सकते हो, बाकी लोकल का तो मैंने बता ही दिया सब कुछ। तो यही भैया कुल मिलाकर बातें हैं, और उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। कैसी लगी आपको वीडियो, मज़ा भी आया होगा आपको, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भैया, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, फीमेल्स के लिए भी ग्रुप्स बनाए गए हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।